उल्लेख नहीं हुई मेकर्स की साजिश का शिकार। जी हाँ, काम आया ये बड़ा रामबाण। आखिरकार क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी धमाका पर। वाला आपको बता दें कि जितना रूबीना दिल्लेख को वाहवाही मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूबीना को भी कई सारे क्रिटिज्म का सामना करना पड़ रहा है। बार बार रूबीना को हर कोई यही कह रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर द फेस ऑफ कलर्स, इसीलिए मेकर्स तुम्हारे लिए बायस हैं, तुम अच्छा नहीं खेलती हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए ये हो रहा है। इनफैक्ट हाल ही में मोहित मलिक और रूबीना दिल्लेख के बीच में रहे प्रोमो की वजह से भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। यहाँ पर गलती रूबीना दिल्लेख की थी ही नहीं, रूबीना दिल्लेख तो तैयार थी इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने बस अपनी फीलिंग शेयर करी थी और यही फीलिंग शेयर करना उन्हें काफ़ी भारी पड़ा, नहीं अच्छा लगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि एलिमिनेशन टास्क जिसमें रूबीना का नाम आना ही नहीं चाहिए था, उसके बावजूद भी रूबीना और चेतना का नाम दिया गया, जो कि सबसे वीक परफॉर्मेंस के हिसाब से देना था। रूबीना का नाम सुनकर शॉक तो सभी को लगा था, लेकिन कोई भी कुछ बोला नहीं। वेल, कोई बोले या ना बोले, रूबीना का ये रामबाण ज़रूर काम आया, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी जनता है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूबीना के बिहाफ पर उनके फैंस ने उनके लिए क्या कुछ कहा है। उनके लिए कहते नजर आए हैं कि चेतना और रूबीना का इविक्शन वाला जो टास्क है, इसमें रूबीना ने जो परफॉर्म किया है उसकी वाहवाही हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूबीना के नेक पर चोट लगने की वजह से रूबीना ने एक दिन टास्क नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने इविक्शन वाला टास्क किया तो उन सबको लगा कि वो इंजर्ड थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस टास्क को बेस्ट तरीके से निभाया और वो जीत भी गई। चेतना जो कि बिल्कुल फिट थी, उसके बावजूद भी वो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाए। वेल गाइज, अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।